जिंदाबाद जिंदाबाद दादा जिंदाबाद। नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के भ्रमण में, उत्तर प्रदेश के दौरे पे अभी विजय मिली है हमारे विवेकानंद सर को, और यहाँ पे क्षेत्र संघ 319 से बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जीत के अनुसार इतनी सारी खुशी और मिठाई बांटी जा रही है। हालांकि क्षेत्र के सबसे प्रत्याशी और एक सबसे इच्छुक उम्मीदवार थे हमारे विवेकानंद पांडे जी सर, और इनके आपके कजन ब्रदर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर सबसे पहले नमस्कार जी, बताएं सर क्या खुशी की लहर दौड़ रही है आपके अंदर ये अपने एक भाई को लेकर के? बहुत ज्यादा कहने शब्दों में बयान नहीं हो सकता है जी। सर तो क्या जैसे कि लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत किया गया था इस पार्टी को लेकर? मेहनत किया गया था 22 साल से पार्टी की सेवा, प्रत्याशी भाई मेरा खुद किया था, उसके फल स्वरूप पार्टी ने उसको टिकट दिया है, और विधानसभा के पूरे विधानसभा के लोगों को प्यार से और आशीष से सारी विधानसभा की जनता उसका चुनाव लड़ी है और इतने अच्छे मतों से उसको विजय दिलाई है। विवेकानंद पांडे सर ये इनके अंदर की जो है निष्ठावान और जो अपने कर्म के अनुसार इतने अच्छे मतों से विजय पाए हुए हैं, वो भी इस क्षेत्र को लेकर के, और प्रथम बार, उनके बारे में अपने शब्दों में बयान करिए। कुछ शब्दों में बयान नहीं हो सकता है, वो बहुत शुरू 22 साल से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और शुरू से उनका शुरुआती जीवन से वो मतलब पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। जन सेवा के रूप में वो 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं और यही कुछ कहा नहीं जा सकता, और इस क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्षों की उपज है, बहुत संघर्ष। लगता है कि हमारे विवेकानंद सर 1998 से युवा मोर्चा से शुरू करके जिला महामंत्री के पद पे आज होते, और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया एक भरोसेमंद कैंडिडेट के रूप में, और विवेकानंद पांडे जी ने बखूबी उस चीज को निभाया जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है, और हम सभी खुश हैं कि हमारे विधायक विवेकानंद पांडे जी हैं। एक अच्छे और एक नए साथ में हमारे लोकसभा के सांसद जी हैं, उन्होंने बहुत अपना चुनाव ऑर्गेनाइज करके बहुत सिस्टम से पार्टी का काम को बहुत अच्छे तरीके से विवेकानंद के लिए 24 घंटा मेहनत करके, और जनता और सांसद जी दोनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर आपको क्या अंदर से खुशी हो रही है जैसे कि आपके कजन ब्रदर जी इतने मतलब कहा नहीं जा सकता कि ऐसे परिवार से हैं, और खुशी व्यक्त नहीं हो सकती, जवान वो जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो कह रहे थे सर सांसद जी के बारे में, करते सांसद जी यहाँ के सांसद विजय कुमार दुबे जी हैं, वो खुद मतलब एकदम लग गए थे एक सेनापति के भूमिका में अग्रसर होके विवेकानंद पांडे जी को विधायक बनाने के लिए वो खुद ही प्रयासरत थे और प्रयास किया, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है और विवेकानंद पांडे जी हम सभी के विधायक हैं। जी जी जी, मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक बच्चे हैं जो विधायक जी के लड़का पुत्र है। मेरे डैडा जीते हैं। डैडी जी का नाम क्या है बेटा आपका? विवेकानंद पांडे। विवेकानंद पांडे जी, तो पापा जीत गए ना? हाँ। खुशी हो रही है आपको? कितना खुशी हो रहा है? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा खुशी? मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे ग्राम वासियों से, क्षेत्र वासियों से, कि आप लोग को कोट कोट नमस्ते। आप लोग हमारे विवेकानंद भैया को हमारा इज्जत रख लिए। जय हिंद जय भारत। कि हम ये कहते हैं विवेकानंद भैया जी जीते हैं। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया, जीत गया, थाली वाला। बच्चे अपने शब्दों में, बच्चे अपने शब्दों में जाहिर कर रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतने अच्छे विडम्बना के साथ एक विधायक जी के जो बच्चे हैं इतना शब्दों में बयां कर रहा है, और अपने पापा को खुशी को लेकर के, विधायक जी को जीत को लेकर के इतने ज्यादा खुशी में है, इसका कोई अंत नहीं किया जा सकता। बच्चे के मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल रही अपने पापा को लेकर के कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि विवेकानंद सर अपने पार्टी के समर्थकों को लेकर के पिछले 22 साल 20 सालों से बिल्कुल
बिना पैसे के, बिना मंत्रिमंडल में आए हुए भी, बिना किसी पार्टी पोजीशन के अपने पार्टी का कार्यकर्ता बने रहे और सभी लोगों का साथ देते रहे। तो बन रही आप लोग वेब इंडिया न्यूज पे, और मिलते हैं हम लोग।